Friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. I welcome you all for this interesting module which is about CLAT 2020, Legal Reasoning, how to prepare and what is the right approach. I'm sure अभी तक आप सब लोग एक ऐसे मुकाम तक पहुंच चुके होंगे जहां पे आपको एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनना चालू हो गई होगी कि लीगल को हम कैसे करें, क्योंकि आप सब लोगों ने मॉक टेस्ट लिखना तो चालू कर दिया होगा. यस, ठीक है, आपने मॉक टेस्ट में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे और उन सभी क्वेश्चंस के मुताबिक आपके मन में एक थोड़ा सा विचार बन गया होगा कि हम उसको कैसे अप्रोच करें. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं यही मुद्दे पे बात करूंगा, बट सबसे महत्वपूर्ण मैं ये बात करना चाहता हूं आपसे कि आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है ताकि आप गलत जगह पे अपने समय न स्पेंड करें. मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बात करते हैं तो वो जनरली गलत जगह पे एफर्ट लगाते हैं और फिर मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं आता है तो उनको लगता है कि अरे मेरा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा और मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं. दोस्तों, लीगल रीजनिंग का ये जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है उसको पहले हम समझते हैं कि इन्होंने जो सैंपल पेपर दिया है, ठीक है, मेरा मानना है दिल गिव यू वन मोर सैंपल इन द मंथ ऑफ दिस मार्च के पहले वीक में शायद एक और आपके पास सैंपल पेपर आएगा. दूसरा एक सैंपल पेपर मुझे लगता है कि अप्रैल के पहले वीक में आना चाहिए क्लैट की तरफ से. उन्होंने बोला था दैट विल बी गिविंग 3 सैंपल पेपर्स. ओके, सो लेट्स सी वो आता है. तब तक हमारे पास यही बेंचमार्क है और इसी के मुताबिक हम पढ़ाई करेंगे. ओके, चलिए, ग्रेट. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि एग्जैक्टली ये जो सैंपल पेपर था लीगल सेक्शन में, वहां पे क्वेश्चंस और वर्ड्स का एनालिसिस क्या था. सिटीजनशिप के ऊपर एक मजेदार सा आर्टिकल था जहां पे 227 वर्ड्स थे, सिर्फ 5 क्वेश्चंस, ठीक है. सिमिलरली सेक्युलरिज्म 450 वर्ड्स, अचानक से साइज बड़ी बन गई. नंबर ऑफ वर्ड्स टू रीड आर डबल एंड देयर आर 5 क्वेश्चंस. थिंकिंग लाइक अ लॉयर दैट टर्न आउट टू बी लिटिल इजियर, 335 वर्ड्स, पर यहां पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बढ़ गई. सिटीजनशिप और सेकुलरिज्म के अंदर अंतर जो था वो अंतर का लेवल या थिंकिंग लाइक अ लॉयर में थोड़ा सा बढ़ गया. मैं भी उसके ऊपर आके बात करता हूँ. पहले मैं आपको नंबर बता दूं, नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस. स्टार्टअप रेगुलेशंस के ऊपर, पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस दैट इज एंटी डोपिंग रिलेटेड, इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर 4 क्वेश्चंस, ड्रोन रूल्स के ऊपर टोटल 4 क्वेश्चंस और 377 वर्ड्स. अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके पास करीबन 8 पैराग्राफ पढ़ने हैं और 8 पैराग्राफ के बेसिस के ऊपर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं. अगर मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आते थे अगर उस एंगल से मैं बात करूं तो जो रीडिंग का पार्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स विच यू हैव टू रीड दे आर रफली सेम, बिकॉज उस समय पे आपके पास 50 क्वेश्चंस होते थे, ठीक है. लेट अस से 50 में से 10 या 15 क्वेश्चंस लीगल नॉलेज के या ऐसे जो छोटे वाले क्वेश्चंस थे वो होते थे, तो जो बाकी क्वेश्चंस बचे करीबन 35 या 40 क्वेश्चंस जो बचे, वहां पे आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने होते थे और हर एक का इंडिविजुअल फैक्ट रखने पड़ते थे, हर एक केस में आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी थी. अब ये पेपर थोड़ा सा ईजी बन गया. किस लिए इजी बन गया? क्योंकि आप अगर एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो आपके साथ उसके ऊपर 5 या 4 क्वेश्चंस हैं. अगर आपके पास उस क्वेश्चंस की कंफर्ट हो गई है आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है. आई होप दैट इज कंफर्टेबल कंपेयर टू प्रीवियस टाइम के क्वेश्चंस. आई थिंक दिस न्यू पैटर्न इज वेरी इजी एंड मैनेजेबल एरिया, ठीक है, कंपेयर टू प्रीवियस टाइम. ठीक है, प्रीवियस टाइम पे हर क्वेश्चन नया था, हर क्वेश्चन में आपको रीडिंग करनी थी. यहां पे आपको हर क्वेश्चन के लिए इतनी ज्यादा रीडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है. सबसे पहला मुद्दा ये है मेरा आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि दोस्तों आप जरा भी चिंता ना करिए, ये जो नया पैटर्न है उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. दिस इज बेटर, ठीक है, दिस इज बेटर. ओवरऑल अगर मैं आपके सामने नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करके बताऊं तो 38 क्वेश्चंस विथ 2713 वर्ड्स, ठीक है, करीबन 2700 वर्ड्स पढ़ने हैं और उसके सामने 38 क्वेश्चंस है, ठीक है. दोस्तों ये तो सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के वर्ड्स है, इसके साथ जो आपके पास क्वेश्चंस है और जो बाकी ऑप्शंस है उनके वर्ड्स मैंने काउंट करके यहां पे नहीं बताया, मैं अभी थोड़ी देर में उसको काउंट करके आपके सामने रखता हूं. तो सबसे पहले आप ये देखें टॉपिक देख लीजिए क्या क्या है, आप कंफर्टेबल है उन सब टॉपिक के साथ, ठीक है. आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं क्या क्या, अभी ड्रोन रूल्स, दे आर द न्यू रूल्स,
drone rules are the new rules. So what you can connect is possibly e-cigarette related cases. ठीक है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. इनसाइडर ट्रेडिंग अगर आपको पता है तो उसके साथ साथ कंपनी लॉज के बारे में थोड़ी जानकारी आपको चाहिए होगी. प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंटी डोपिंग आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है. तो उसके साथ स्पोर्ट्स रिलेटेड रेगुलेशन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, सेक्युलरिज्म, दे ऑल आर कनेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन आपका 8 में से 3 पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करते हैं. और मुझे मेरा मानना है कि ज़्यादातर उसी एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं. करीबन 37-40% क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों. इसीलिए वी आर वर्किंग हार्ड टू गिव यू गुड कंटेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन. इसीलिए हमने आपको अभी एक आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें फंडामेंटल राइट के ऊपर एक बहुत अच्छा सा राइटअप आपके पढ़ने के लिए दिया है. प्लीज़ उसको गो थ्रू करिएगा. सो स्टार्टअप रिलेटेड रेगुलेशंस, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड ड्रोन रूल्स. ठीक है, ये हो गए थोड़े से नए आज के ज़माने के रिलेटेड लॉस. ठीक है, तो आप देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. इंटरनेशनल लॉस के बारे में कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, अभी जो UAPA टेररिज्म रिलेटेड, एंटी टेररिज्म रिलेटेड जो लॉज आ रहे हैं उसके बारे में बात हो सकती है. तो दोस्तों आपको ये टॉपिक अगर कंफर्टेबल लगते हैं तो मेरा मानना है कि आपके लिए दुनिया बहुत ईजी हो जाएगी. अब आते हैं हम इसके बारे में सोर्स के बारे में बात करने के लिए. सोर्स बेस्ड एनालिसिस का मेरा मकसद क्या है आपको बताने का, ये देखिए. पैसेज के टॉपिक तो मैं आपको बता चुका हूं. अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये इन्होंने कहां कहां से उठाया. इसलिए आपको तैयारी में क्या चीज का ध्यान रखना है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. पहला, सिटीजनशिप का जो पार्ट लिया है उन्होंने वो कैसा है, प्योर रूल बेस्ड है. वहां पे सीधे रूल्स लिखे हैं, बराबर है, और कुछ नहीं है. भले वो न्यूज़पेपर में से उठाया है पर एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड रूल लिखे हैं, बराबर है. यहाँ पे आपको कोई अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है. ये सीधे रूल बेस्ड क्वेश्चंस है. ठीक है, आप देखेंगे रूल बेस्ड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं. ठीक है, तो मेरा मानना है कि ये रूल बेस्ड हो गया. ठीक है ना, ये बहुत ही इजी रूल बेस्ड है. सिमिलरली रेगुलेशन का जो स्टार्टअप वाला पार्ट है वो भी एक तरीके से आपके पास रूल बेस्ड हो गया है. और साथ में इनसाइडर ट्रेडिंग और ड्रोन फैक्ट वाला पार्ट है. और मेरा मानना है कि पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, अच्छा ये चार में आपको रूल बेस्ड है. ठीक है, ये सीधे आपके रूल्स अप्लाई करने हैं जैसे आप प्रीवियस टाइम पे करते थे. ठीक है, आपके सामने फैक्ट है और प्रिंसिपल्स है, वर्ड टू वर्ड प्रिंसिपल अप्लाई करना है. ठीक है, आप देख सकते हैं दे आर टेकन फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड कुछ जो इनसाइडर ट्रेडिंग ऑन ड्रोन रूल्स उसका सोर्स उन्होंने बताया नहीं है, बट दैट्स ओके, है ना. सोर्स से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, सो ये रूल बेस्ड, केस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, मतलब आप जो अभी तक तैयारी कर रहे थे, ठीक है, आज से करीबन 6-8 महीने पहले एग्जैक्टली सेम तैयारी आपको करनी है. आपको कुछ अलग से चेंज नहीं करना है. आई होप इट इज वेरी क्लियर, नंबर वन. नंबर टू, अब बाकी का पार्ट देखते हैं. सेक्युलरिज्म, थिंकिंग लाइक अ लॉयर, पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अगर मैं उस पॉइंट के ऊपर बात करूं तो आपको अब तैयारी क्या करनी है, थोड़े से जनरल इंटरप्रिटेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे सेक्युलरिज्म के बारे में मैं बात करूं, ठीक है, कल ही करंट अफेयर का जो मॉड्यूल मैंने लिया था, ठीक है, दैट इज अगेन से 19th of February वाला जो मॉड्यूल मैंने लिया था, उसमें मैंने सेक्युलरिज्म के विचार आपके सामने प्रेजेंट करे थे कि इंडिया का सेक्युलरिज्म कैसा है, अमेरिका का सेक्युलरिज्म कैसा है, हमारे जो फोर फादर है उन्होंने कैसे ये सब चीज़ों को देखा था. तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर थिंकिंग लाइक अ लॉयर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. वाई थिंकिंग लाइक अ लॉयर इज इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल बहुत मजेदार था. इस बुक के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कि कैसे लॉयर को अलग अलग तरीके से समझना जरूरी है. जैसे मैंने बीच में एक करंट अफेयर के सेशन में मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिट करने के करीबन चार फेजेस थे. पहले फेज में फंडामेंटल राइट को ये सेपरेटली इंटरप्रेट करते थे. सेकंड फेज में इन्होंने सभी फंडामेंटल राइट को कलेक्टिवली लेकर इंटरप्रेट किया. ठीक है ना दोस्तों, आपको थिंकिंग लाइक अ लॉयर में किस तरीके के इंटरप्रिटेशन करने हैं वो एक जनरल नेचर आपका डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इसके लिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ दोस्तों आप सब लोगों को कि जो हमारा डेली करंट अफेयर का मॉड्यूल है प्लीज़ आप उसको देखें, बिकॉज वी आर वर्किंग
to ensure that it is not just current affair, but it is a mix of current affair and legal reasoning aspect. ठीक है, so दोस्तों ये जो आपका fact based part है, ठीक है, वो आपकी previous legal reasoning अच्छे से develop हुई है, आप कर पाएंगे. और जो नए varieties है, जैसे secularism की बात हो गई, ये जो thinking like a lawyer हो गया, people's constitution हो गया, ये जो area है, ठीक है, anti-doping को भी मैं यहाँ start करके रख देता हूँ. yes, so ये जो तीन area है, ठीक है, ये आपका language, लीगल लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग, आज के ज़माने में एक पर्टिकुलर टर्म के लिए क्या ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग चल सकती है, वो आपसे एक्सपेक्टेड करा जा रहा है. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कभी कभार आपके राइटअप के अंदर वो बोलेंगे लीगल प्रिंसिपल के मुताबिक क्या चलेगा, कभी कभार वो बोलेंगे कि ऑथर अगर इसी तरीके से सोचता तो क्या होता. दोस्तों देखिए, एज अ लॉयर you will have to go by certain established principle and thought processes. ठीक है, तो आपको जो established precedents हो चुके हैं, established law हो चुके, कभी कभार उसके द्वारा आपको interpret करना पड़ेगा. कभी कभार कोई नए person ने कोई बहुत अच्छा interpretation और एक नया angle दिखाया, उस angle से भी आपको law को interpret करना पड़ेगा. ठीक है, so दोस्तों जब आप lawyer बनेंगे, आपको अलग अलग thought processes के द्वारा अलग अलग इंटरप्रिटेशन करने पड़ेंगे. और यही एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के द्वारा, इस पर्टिकुलर टेस्ट के द्वारा. सो दोस्तों उसका ध्यान रखना भूलिएगा मत. ओके, सो आप देख सकते हैं दैट इट इज इधर कमिंग थ्रू अ बुक और अ न्यूज़पेपर पार्ट. दैट मीन्स मियरली जनरल रीडिंग विल नॉट हेल्प, बट यू विल हैव टू डेवलप स्पेसिफिक रीजनिंग आस्पेक्ट. दिस इज मस्ट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा आपके लिए. सो आई होप दिस एनालिसिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट. सो मेरी तरफ से क्या सजेशंस है, सर लीगल कॉन्सेप्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ठीक है, क्राइम, ये सब आपने जो वीडियो बना के रखे, आर दोज वीडियोज इंपॉर्टेंट? माई आंसर इज यस, दे आर इंपॉर्टेंट. वन नीड्स टू स्टडी फुल्ली फॉर ऑल लीगल कॉन्सेप्ट्स. क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे. साथ में आपको ये कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि आपके लिए बेसिक लीगल टर्म्स कौन से हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कैसा है, हाउ टू फाइंड अ लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन, कैसे किसी के ऊपर ब्लेम आ सकता है, क्या बेसिस पे आ सकता है, क्यों आया, उसकी लायबिलिटी क्यों थी, मीनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक टर्म एंड लैंग्वेज, एक स्पेसिफिक वे में कुछ वर्ड्स यूज करे जाते हैं लीगल पार्लेंस में, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑब्वियसली जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर बाय लीगल कॉन्सेप्ट्स आर मस्ट मस्ट मस्ट. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ठीक है, ये बात को आप अपने दिमाग में ड्रिल कर दीजिए. दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. ठीक है, हाउ फास्ट शुड आई रीड, दिस इज अ बिग क्वेश्चन. ठीक है, आप देखेंगे करीबन 2700 वर्ड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर ऑफ अ पैराग्राफ रीडिंग, उसके साथ जो क्वेश्चंस और ऑप्शंस है, तो आप करीबन उसमें 600 वर्ड्स मान सकते हैं. सभी क्वेश्चंस को मिलाकर 38 क्वेश्चंस थे, तो करीबन 600 वर्ड्स मैं उसको गिनती करूं. सो मेरे सामने मिला जुला कर अगर आप देखेंगे तो 3300 वर्ड्स मुझे पढ़ने हैं. और अगर मैं नॉर्मल 150 वर्ड्स पर मिनट स्पीड के बारे में बात करूं, तो मुझे मतलब अगर मैं एकदम कैलकुलेट करूं तो 22 मिनट्स लगेगा. आई एम कीपिंग 22 टू 25 मिनट्स फॉर दिस एंड समटाइम्स फॉर यू कैन से डिसाइडिंग ऑन इट. सो जनरली आई विल टेक 35 टू 40 मिनट्स. ठीक है दोस्तों, ये बात आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि आपको करीबन 35 टू 40 मिनट्स इस पर्टिकुलर सेक्शन को देना है, तब जाकर आप इसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं. अगर आप बहुत ज़्यादा तेजी से स्पीड में पढ़ पाएंगे और आपको इंटरप्रिटेशन होगा, तो आप इससे कम समय लेंगे. पर फिर भी मेरा मानना है कि दैट इज़ रियली नॉट पॉसिबल. आप एक नॉर्मल रीडिंग पेज से पढ़ेंगे विच इज 150 वर्ड्स पर मिनट विद अ प्रॉपर फोकस, 35-40 मिनट्स में ये 38 क्वेश्चन में से 35 टू 36 क्वेश्चंस तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. दोस्तों दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आपको ज़्यादा रीडिंग स्पीड नहीं चाहिए, आपकी एक नॉर्मल 150 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए. तो आप उधर चिंता न करें, आपको जो कैपेबिलिटी डेवलप करनी है आप उधर चिंता करें.
कहाँ पे कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, आपको चिंता वहाँ करनी है कि कहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर वन, आपको लीगल टर्म समझ में आने चाहिए, जो लैंग्वेज लिखी है उसमें लायबिलिटी कैसे डेवलप हो रही है, किस तरीके से आपको लीगल रूल्स अप्लाई करने हैं, लीगल रूल्स में दिस एंड दिस लिखा है तो दोनों अप्लाई होगा, दिस और दिस लिखा है तो दो में से कोई एक, मतलब ऐसी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास है ही, ठीक है, पर आपको ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, ठीक है दोस्तों, ये बात समझना जरूरी है। सो डू नॉट फोकस अ लॉट ऑन योर रीडिंग स्पीड, बट फोकस ऑन योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और वो आप रीजनिंग कैपेबिलिटी अपनी डेवलप करें, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ओके। सो ये चीज ध्यान रखिएगा। सो मेरे सजेशंस क्या है, सबसे पहला, प्रैक्टिस लीगल क्वेश्चंस ऑफ ओल्ड पैटर्न, ठीक है, जो पुराने तरीके थे, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, अगर आप लीगल रीजनिंग को पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप मिनिमम हर टॉपिक के 50 से 60 लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करिए पुराने तरीके से। क्यों पुराने तरीके से करना जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको समझ आए कि आपको स्पेसिफिक वे में लैंग्वेज कैसे अप्लाई करनी है, कैसे प्रिंसिपल अप्लाई करना है, ये प्रिंसिपल ये फैक्ट में कैसे लगेगा, ये कैपेबिलिटी इंप्रूव करनी है, क्योंकि आपका 50% से ज़्यादा पेपर लीगल रीजनिंग के ऊपर डिपेंड होने वाला है, इनफैक्ट 80% से ज़्यादा भी अगर मैं बोलूँ तो भी गलत बात नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों, लीगल रीजनिंग के लिए पुराना पैटर्न का प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं, या तो आपके पास पुराने जैसे प्रीवियस ईयर के क्लैट के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, प्लीज़ आप उसको सॉल्व करिए, ठीक है, या तो आपके पास जो पुराना स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसके लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। प्रो टैलेंट के जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, हमारे जितने भी सेक्शनल टेस्ट है लीगल रीजनिंग के वो सब कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि वहां पे है ना, जब आप लीगल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उससे आपके पास फायदा क्या होगा, फायदा ये है कि हर एक वैरायटी के, हर जो कोने कोने वाले जो लीगल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब उसमें कवर हो चुके हैं। आप समझिए, आप उसमें कुछ भी गलत नहीं कर रहे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें या जो हमारे सेक्शनल टेस्ट है वो सॉल्व करिए, उससे जो भी कोने कोने वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या आपके कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट में या क्राइम वाले पार्ट में, जो भी छोटे छोटे कोने कोने वाले एक्सेप्शनल केसेस है सब उसमें कवर हो गए होंगे, ताकि आपके पास एक अवेयरनेस डेवलप हो गई होगी और वो अवेयरनेस आपको एग्जाम के दिन बहुत मदद करेगी। सो जो बच्चों ने ये ओल्ड पैटर्न के क्वेश्चंस करे होंगे उनको नए पैटर्न में दिक्कत होने की संभावना कम है, जिन्होंने ओल्ड क्वेश्चंस नहीं करे हैं वो सीधे ये नए पैटर्न पे आ चुके हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है दोस्तों, ये आप समझिए, आपको ये पुराना काम करना है। सो फर्स्ट वर्क ऑन दिस ओल्ड पैटर्न ऑफ लीगल रीजनिंग क्वेश्चन। दूसरा क्या करें, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ओल्ड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट वर्किंग ऑन न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, और क्या करें, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस रेगुलरली। कहां से करें, आपके मॉक टेस्ट में, ठीक है, आपके नए नए सेक्शनल टेस्ट अभी जनरेट हो गए उसके अंदर मिलेंगे। सो डेली 20 से 30 क्वेश्चंस करना जरूरी है ऑन न्यू पैटर्न, नए पैटर्न के डेली 20-30 क्वेश्चंस करना मस्ट है, ठीक है। कब करना है, प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस अगर आप कर चुके हो, आपको प्रीवियस वाले टॉपिक में कंट्रोल आ चुका है, तो प्लीज आप करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर इंपॉर्टेंट सजेशन इज सिंपली डू नॉट डू मोर जनरल रीडिंग, कि सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, मैं एक तरीके से देखे तो मैं आपका एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ उससे मुझे फायदा होगा, सर नहीं, ठीक है, ज़्यादा फायदा होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीगल रीजनिंग की एक्सरसाइज करने से। दोस्तों ये ध्यान रहे, जितनी ज़्यादा लीगल रीजनिंग की एक्सरसाइज करी उतना आपको फायदा है, ठीक है। सो द यूबिक्विटस एडवाइस विच एवरीवन प्रोवाइड्स टू यू इज कि लीगल रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें, ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, गलत है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा पढ़ना इज डेवलपिंग कम्फर्ट, बट वो जो शार्प रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप होनी चाहिए वो नहीं होगी। इसके लिए करना क्या है, ज़्यादा सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करें, दिस इज वॉट माई सजेशन टू यू फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके। सो ध्यान रखिएगा, और उसके साथ साथ और क्या करें, रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू कैन नॉट आइसोलेट योर सेल्फ
यू कैन से राइटिंग, यू कैन से मॉक्स इन योर क्लैट प्रेप, मतलब आप सिर्फ मॉक लिखेंगे तो भी काम नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना आपका माइंड कैसे सोचता है, उसके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर को एनालाइज करता है, आपके माइंड में किस तरीके से आप सब चीजें एनालाइज करते हैं, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर जो प्रिंसिपल दिया है वो अप्लाई करते हैं, एंड यू रीच टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। दिस इज रियली अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, ठीक है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन जनरल अपनी थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करते हैं, इन जनरल दैट मीन्स कभी घर पे आप बात कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर इशू के ऊपर, ओके, और जैसे फॉर एग्जांपल आजकल तो घर में बहुत बातें होगी, NTCA की बातें चल रही है और बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करने के मौके मिल चुके हैं। मेरा मानना है कि आपकी पढ़ाई इस साल तो बहुत अच्छी है बाकी कॉलेज बाकी साल के बच्चों के नजरिए से, क्योंकि इस बार तो घर में ऐसी सब चीजें डिस्कस हो सकती है, उस लेवल तक बात पहुंच चुकी है, ठीक है। तो उस समय पे आप किस तरीके से अपनी रीजनिंग दे रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से आप अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करके अपने डिसीजन दे रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं और साथ साथ में आप अपने नॉर्मल वे में जो डिस्कशन और डिसीजन देते हैं उसमें अपने माइंड को ट्रेन करना भूलिएगा मत। Therefore, the origin lies in what you read and how you interpret the things. इसीलिए मैं strongly suggest करता हूँ दोस्तों, CLAT का जो daily current affair Pro Talent की तरफ से आ रहा है, please आप उसको देखिएगा, because I focus a lot on important reading and more importantly, I focus a lot on your interpretation power. आपको क्या interpret करना चाहिए वो मैं आपके आपकी पढ़ाई के ऊपर फोकस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो डेवलप अ गुड रीडिंग पार्ट, ठीक है, इंटरप्रिटेशन स्किल्स एंड वॉच अवर डेली करंट अफेयर वीडियोस, दिस इज मस्ट। सो वॉचिंग डेली करंट अफेयर इज मस्ट। सो ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट अ गुड सजेशन फ्रॉम माय साइड ऑन लीगल रीजनिंग इज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉल्व यू कैन से ओल्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस एनीवे, वो आपको MSET और ALET और सिम्बायोसिस में तो मदद करेगा ही करेगा, और साथ साथ में ये जो नई वैरायटी है उसको मॉक टेस्ट के द्वारा और सेक्शनल टेस्ट के द्वारा उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, और हमारे डेली करंट अफेयर के मॉड्यूल्स को देखना ना भूले, ओके। सो दोस्तों ये लीगल रीजनिंग में क्या करना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आपके कुछ क्वेरी हो, आपके कुछ क्वेश्चंस हो, प्लीज हमें बताइए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ओके। सो और उसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, ज्यादातर लोगों को बताएं कि protalentdigital.com के द्वारा हम आपको पूरा का पूरा क्लैट की तैयारी करने में मदद करते हैं, और ये यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लैट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हो रही है, प्लीज उसको फॉलो करिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टडीज, एंड मेक श्योर दैट यू हैड अ वेरी गुड स्कोर इन योर क्लैट, ओके। Thank you very much for watching this. Do not miss out to subscribe this channel, like this video, put any comment you have and bell icon दबाना भूलिएगा मत, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा आपको मिलेगा देखने के लिए, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।